नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य रणजीत सिंह और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा धूमावती प्रयोग के बारे में और उस प्रयोग के फायदों के बारे में। तो सबसे पहले मैं माँ भगवती के एक ऐसे रूप के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही डरावना, भयानक और बहुत ही प्रभावशाली और प्रचंड शक्तिशाली है। और यह रूप कलयुग में बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव देने वाला है। इतनी जल्दी प्रभाव देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आज तक आपने ऐसी प्रभावशाली साधना कभी नहीं देखी होगी। ऐसा ही मैं आज प्रयोग बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं माँ भगवती, माँ धूमावती के बारे में बताता हूँ। माँ धूमावती का जन्म कैसे हुआ? माँ धूमावती दस महाविद्याओं में से एक है, 64 योगिनियों में से एक है। उनका जन्म ऐसे हुआ था कि जब माँ बगलामुखी पीताम्बरा जब बैठी हुई थी, उन्हें बहुत भूख लगी और इतनी भूख लगी कि वो उसे सह ना पाई और उनको खाने को कुछ नहीं था। वो शिव जी से नाराज हो गई, क्रोधित हो गई और आवेश में आकर उन्होंने शिव जी को अपने मुख में लेकर अपने उदर में, अपने पेट में रख लिया। और शिव जी अपनी माया से पेट से बाहर तो आ गए, पर शिव जी ने कहा कि अब तुम दूषित हो चुकी हो, तुम्हें शराब लग देते हैं। कि शिव जी ने उनको शराब दिया और वो फिर विधवा कहलाई। फिर उन्हें शिव जी ने खुश होके, क्योंकि शिव जी दयालु हैं, शिव जी भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं, भोलेपन में उन्होंने उनको वरदान दिया कि अब तुम्हारी धूमावती के रूप में पूजा होगी और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर से दुख दरिद्री का नाश हो जाएगा उसके घर में। और एक आपको दरिद्री देवी की यानी गरीबी देवी की कहानी सुना दूं। गरीबी यानी दरिद्र देवी को एक बारी ऋषि जी जा रहे थे, तो ऋषि जी के पास एक व्यक्ति है, वो बड़ा परेशान था। उसने बोला कि मेरे घर में दरिद्री है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने ऋषि जी ने भी गुस्क्रोध में आ गए ऋषि, क्योंकि बड़े परेशान हो रहे थे लोग। तो दरिद्री को उन्होंने श्राप दिया कि जो भी तेरी पूजा करेगा तू उसके घर में घुस भी नहीं सकती, उसको तू परेशान नहीं करेगी। जो भी तेरी पूजा करेगा तू ना उसके घर में जाएगी, ना तू उसको परेशान करेगी, ना उसको समस्या देगी। इसलिए हम जब भी, क्योंकि धूमावती दरिद्री का ही रूप है, दरिद्री वो ही है, तो इसलिए हम धूमावती देवी की अगर पूजा करें तो उनके हमारे घर से दरिद्री का नाश होगा, हमारे घर से सारी दुख समस्याएं, सारे कष्ट क्लेश और सारी जितनी भी बाधाएं हैं, चाहे वो ऊपरी हो, तांत्रिक हो, भूत प्रेत हो या हमारे खुद की बनाई हुई समस्याएं क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि ये सत्य है, ये झूठ नहीं है, ये इतना प्रभावी है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। कलयुग में ये इतना प्रभावी माँ धूमावती का प्रयोग है कि दस महाविद्याओं में सबसे उग्रतम आती हैं। माँ काली का ये ऐसा रूप है जहाँ ये गरीब, लाचार, बेसहारा लोगों के लिए है, ये रूप उन लोगों के लिए है। तो ये मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, और इस मंत्र की विधि बताऊंगा जिस विधि को आपको 11 दिन करना है। ऐसे इस प्रयोग को आप 11 दिन करेंगे, अपने उंगलियों पे इस मंत्र का जप करेंगे या मोती की माला, जी हाँ असली मोती आप खरीद लिए, मोती की माला बनवाइए, उस मोती की माला पे ही अब जप होगा, वरना हाथों पे जप होगा, या आप बैठ के घंटा जप करिए। इस तरह का इसका प्रयोग है। मंत्र आपका कुछ इस प्रकार होगा, अभी एक मिनट रुकिए। मंत्र आपका ये है, धूम धूमावती देव्ये नमः। याद करिए, दोबारा सुनिए, धूम धूमावती देव्ये नमः। इस मंत्र को आपको एक घंटा लगभग जप करना है, करना है, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको मोती की माला आपके पास है तो आप इसको सफेद सफेद आप हकीकी माला भी जप सकते हैं। आपको इस मंत्र को कम से कम 10 माला आपको जपना है। अगर आप वो नहीं कर सकते, आप एक घंटा इसका जप करिए। सफेद आसन होना चाहिए, सब कुछ सफेद, ये सब कुछ काला होना चाहिए। दिशा आपकी पश्चिम या दक्षिण पश्चिम का कोना होगा, ठीक है। ऐसे में आपको ये साधना करनी है। टाइम आपका सुबह का एकदम हो सकता है या शाम का हो सकता है। स्थान आप अपने मर्जी का चूज कर सकते हैं, घर का या कहीं का भी, अब आपकी मर्जी।
इस प्रयोग को 11 दिन करने से आपके घर में गरीबी है, दरिद्री है, परेशानी है वो हट जाएगी। आपके घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई चीज चढ़ रही है, कोई नुकसान कर रही है, वो क्या होगा, आप इस मंत्र का जप करेंगे, धूम धूमावती देवी नमः बोलेंगे, वो चीज हट जाएगी। क्योंकि इतना प्रयोग, इतना प्रकांड है, इतना प्रचंड है कि बड़ी से बड़ी प्रेत शक्ति भी इसके सामने घुटने टेक देती है। और माँ धूमावती का इतना प्रयोग तीक्ष्ण है कि अगर कोई पति पत्नी में विवाद हो रहा है, पति पत्नी कर ले, तो जो विवाद डालने वाला है, कराने वाला है, चाहे वो पत्नी के घर से हो, चाहे वो पति के घर से हो, चाहे वो बाहर से क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। आपके घर से पति पत्नी का क्लेश हट जाएगा, आपके घर में जो भी समस्या होंगी वो सारी हट जाएंगी। ये इतना तीक्ष्ण प्रयोग है, आप करके देखिए। आपको 11 दिन ये प्रयोग करना है। 11वें दिन में आपको आपको किसी कुत्ते या किसी जानवर की आपको सेवा करनी है। गाय सबसे बढ़िया है, गाय की आप सेवा करिए, और ये सेवा करने से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध, ये सबसे अत्यंत छोटा तरीका है इस मंत्र को सिद्ध करने का। वैसे से बहुत मुश्किल होता है ये मंत्र सिद्ध करना, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप मेरे इस नंबर पे कॉल कीजिए और मेरे से बात कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।